बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर में ऐतिहासिक दशहरा मेला परंपरा के अनुसार एकादशी को आरंभ हुआ। मेले में सभी प्रकार की दुकानें हैं, छोटे बड़े झूले सर्कस लगे हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ मेले में आई। सहकारी गन्ना समिति बिलारी का प्रांगण मेला दर्शकों के वाहनों से भर गया। हाईवे पर यातायात सुचारू रखने को पुलिस ने मशक्कत की। पूरे सहसपुर गांव में उल्लास छाया हुआ है। मेला देखने मेहमान आए हुए हैं, बच्चे मनपसंद की चीजें खरीद रहे हैं। जलेबी पकौड़ी चाट भी मेले में अपनी पकड़ बनाए हुए है। स्काउट टीचर जीतू सिंह के निर्देशन में काली मंदिर और हाईवे किनारे प्याव लगाए गए हैं। इनमें मोहनलाल शर्मा, जगत नारायण शर्मा, जोधा सिंह यादव, पंडित विनोद कुमार मिश्र आदि ने सहयोग किया। हलवा पराठा, लकड़ी मिट्टी से बनी चीजें, मौत का कुआं भी अपनी ओर दर्शकों को खींच रहे हैं। मेले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बब्बन यादव के निर्देशन में सफाई कर्मचारियों की टीम ने विशेष सफाई करने के बाद और रास्ते के दोनों ओर चूने की लाइनें बनाई। ऐतिहासिक राजमहल को भी सजाया सवारा गया। बड़ी संख्या में दर्शकों ने राजमहल देखा और पुरानी यादों में खो गए। शाम 4 बजे राजमहल में दशहरा समारोह हुआ। इसमें बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। रानी रीना कुमारी, युवराज प्रताप सिंह, राजकुमार दिग्विजय सिंह, युवरानी माधवी भी समारोह में शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ राजमहल से सभी लोग मेला स्थल पर आए। सबसे आगे शाही अंदाज में घुड़सवार चल रहे थे। पुतला दहन स्थल पर राम रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण के धराशायी हो जाने पर रावण और कुंभकर्ण के पुतले को आग लगा दी गई। पटाखे छूटे, आतिशबाजी का नजारा देखते ही बनता था। इस दौरान दर्शकों की भीड़ से पूर्व मंत्री रीना कुमारी समेत राज परिवार के सदस्यों ने मुलाकात की और अभिवादन किया।